दोस्तों, शेयर मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि मार्केट का जो टाइम है ना, वो टाइम चेंज होने वाला है। अब टाइम चेंज होने वाला है का मतलब क्या होने वाला है, समझो। मार्केट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या क्या पड़ने वाला है, इसको ध्यान से समझना। अगर टाइमिंग चेंज होती भी है तो भी, और नहीं होती है तो भी, आइए समझाता हूँ इसके पीछे का गेम। नॉर्मली मार्केट में जब हम काम करने के लिए आते हैं तो कॉमन सी बात है, पैसे कमाने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करते हैं। इक्विटी मार्केट की बात करें, ठीक, इक्विटी मार्केट की बातें की जाए तो मॉर्निंग में 9:15 से इसकी टाइमिंग रहती है और शाम के 3:15 तक यहाँ पर आप काम करते हो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। एक नंबर ऑफ टाइम दिया जाता है, एक छोटा सा टाइम फ्रेम दिया जाता है, कह सकते हो 6 घंटे का टाइम फ्रेम दिया जाता है। बाकी अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स को देखोगे तो उस कंडीशन में वो बहुत ही ज़्यादा रन होती है। माना ये जाता है ज़्यादा टाइम मतलब मार्केट में ज़्यादा टाइम होगा, ज़्यादा मूवमेंट्स होंगी, ज़्यादा मूवमेंट्स होंगी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट माना जाता है नॉर्मली ट्रेडर्स के थ्रू। इसी के साथ में इक्विटी के फ्यूचर्स की बात करें तो भाई फ्यूचर्स के अंदर भी क्या होता है, सेम टू सेम वर्क किया जाता है, ठीक, यहाँ पर भी सेम टाइमिंग रहती है। इसी तरीके से इनके ऑप्शंस की बात करें तो मेरे भाई ऑप्शंस के अंदर भी सेम टू सेम रहता है, टाइमिंग तो सेम ही है। अब इसके बाद आ जाता है सेकंड पार्ट, ये नंबर वन पार्ट है जिसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। नंबर टू पार्ट की बात करें जिसमें कि हम लोग काम करते हैं, जिसको बोलते हैं फोरेक्स मार्केट, ठीक। फोरेक्स मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में फोरेक्स मार्केट को करेंसी मार्केट बोलते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत हो जाना। करेंसी मार्केट यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर जो टाइमिंग होती है ना, नॉर्मली हम लोग जो काम करते हैं जैसे यूएसडी आईएनआर की बात हो गई, जीबीपी आईएनआर की बात हो गई, जेपीवाई आईएनआर की बात हो गई, यूरो आईएनआर की बात हो गई, एंड 3 पेयर और हैं जिनके अंदर हम काम कर सकते हैं। लोग बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं क्योंकि पता ही नहीं किसी को, सिंपल सी बात है। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जीबीपी, यूएसडी, जेपीवाई, USD एंड यूरो USD। इन सभी के सभी पेयर्स के अंदर इंडिया में जो टाइमिंग अलाउ है, नॉर्मली फोरेक्स मार्केट में आपको पता होगा कि मार्केट 24 घंटे एंड 7 दिन चलती है, बीच में कुछ टाइम बंद रहती है 2-2.5 घंटे के लिए डे वाइज हिसाब से, ठीक है। तो इतने टाइम चलती है, आपको लगता होगा 24 घंटे, तो आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे भी गड़बड़ है। यहाँ पे गड़बड़ क्या है, यहाँ पे सेशंस होते हैं, 8 घंटे के सेशंस होते हैं, तो 3 सेशन हुए, मान लो 3 सेशंस हैं। पीछे का गेम समझना बहुत ज्यादा कीमती हो जाता है कि टाइमिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। लोग बोलते हैं कि मार्केट के अंदर 24 घंटे मार्केट चलती है, फॉरेक्स पता है कैसे चलती है, सेशंस में चलती है। मान लीजिए फर्स्ट सेशन ऑन है तो ये 2 सेशन क्लोज होंगे उस पर्टिकुलर टाइम पर, है ना, देन ये वाला सेशन क्लोज हुआ तो ये वाला सेशन ऑन हो जाता है और ये वाला भी क्लोज रहेगा। इसी तरीके से ये वाला क्लोज हुआ और ये भी क्लोज हुआ तो ये वाला सेशन ऑन हो जाता है। सो इस लहजे में बोला जाता है कि फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे और 5 दिन, सॉरी 7, मैंने गलत बोल दिया, 5 है यहाँ पे, 5 दिन चलती है, सैटरडे संडे ऑफ रहती है। तो ये तरीका हुआ। अब सोचो हमारे इंडियन मार्केट में अगर टाइम चेंज हो जाता है, अगर इंडियन मार्केट में मार्केट मान लीजिए सुबह 9 बजे ओपन होती है और रात के 11 बजे बंद होती है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी लाइफ के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, जिन लोगों की स्ट्रैटेजी लाइक कह सकते हो, पहली बात तो करेंसी मार्केट में प्राइस एक्शन काम नहीं करता, ट्रेंड लाइन काम नहीं करती, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। तो जो लोग प्राइस एक्शन पे गेम खेलना चाहते हैं, देखो वो तो खेल नहीं पाएंगे। इसी तरीके से कोई इंसान चाहता है कि भाई मैं ट्रेंड लाइन पे काम करना चाहता हूँ, वो भी नहीं कर पाएगा। मैं आज भी नहीं कर पाता हूँ, रीजन है उसके पीछे, जब मार्केट हमें 9 बजे और शाम के 5 बजे तक अलाउ करता है, बट वही अगर हम USD INR का पेयर देखें, लाइक ट्रेडिंग व्यू पर ही देख लो, तो वो 24 घंटे चल रहा है, 5 दिन चल रहा है, कॉमन सी बात है। तो कैसे हम वहाँ पे प्राइस एक्शन में काम करेंगे और कैसे हम उसमें ट्रेंड लाइन में काम करेंगे, इस जगह पर सबसे बेस्ट ऑप्शन पता है कहाँ पे आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना। जो लोग सोच रहे हैं कि लंबा समय होगा, लॉन्ग टर्म होगा, तो पैसा ही पैसा, भाई तुम गलत सोच रहे हो, पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ पर ज्यादातर लोग, लाइक मैं अपने खुद के क्लाइंट्स को बोलूंगा, भाई लोग आप एक काम करो, आप ऑप्शन सेलिंग पे उतर जाओ। क्यों उतर जाओ, बैठे बैठे पैसे आने चाहिए, बात खत्म। यहाँ पर टाइम वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि ज़्यादा लंबे समय तक काम करने से पैसा ज़्यादा बनता है, तो आप पोपट हो, इस बात को दिमाग में बिठा लो। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अभी की बात करें, सुबह से ट्रेड ली हुई है, 500, 700, 500, 700 वहीं चल रहा है, ठीक है, पूरा दिन बीत गया, अभी शाम होने वाली है, सब जगह पर सेम ट्रेड डाली हुई है, तो कॉमन सी बात है, सब जगह पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कह सकते हो, वही वहीं पूरा का पूरा मूवमेंट वहीं चल रहा है। सो आप खुद समझ सकते हो कि काम करने के लिए आपको नंबर ऑफ लाइक आवर्स नहीं चाहिए, कि आपको बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम चाहिए, आपको करेक्ट जगह पर एंट्री
और करेक्ट जगह पर एग्जिट करना आना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं और जॉब करने वालों की खुशी तो पूछो मत आसमान पे होती है, 7वें पे, कि सुबह हम निकल जाते हैं 8 बजे, शाम को 6 बजे आते हैं, हमें तो टाइमिंग नहीं मिल पाता। और रही बात मोबाइल, लाइक ऑफिस के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, और किसी ने अगर देख लिया कि मैं ट्रेडिंग के अंदर अपनी कोई स्किल्स इंप्रूव कर रहा हूँ, देन आपका बॉस ही आपको छुट्टी करा देगा आपके ऑफिस से। सो उस कंडीशन में ये लोग जो सोच रहे हैं ना कि मार्केट शाम के 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हो जाएगी, करेंसी मार्केट भी या फिर नॉर्मल मार्केट भी, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा, तो ये गलत है मेरे भाई। आप कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। पता लगा आपने सुबह शाम तक मेहनत करके 500 रुपये यहाँ पे कमाए और अपनी मर्जी से, लाइक गेम खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने यहाँ पे आ गए और 1000 रुपये यहाँ पे गवाए, सो आपका बन गया पोपट, समझ रहे हो? तो ये तरीका दिमाग में बिठा लीजिए, करेंसी मार्केट वो जगह है जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सेफ्टी ज्यादा होती है, ठीक, और आप धीमे धीमे काम करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको लगता है कि भाई मेरे पास में पैसे कम है, देन आप इजिली ऑप्शन सेलिंग कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर लॉट 2000 रुपीज़ ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं। इसी तरीके से अगर आप फ्यूचर में बाय और सेल करके भी चल रहे हो ना, तब भी यार 2000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लग रहे हैं ना, है ना, कॉमन सी बात आती है। तो टाइमिंग वाला जगह में ना, कि आपको लगता हो कि टाइम बढ़ जाएगा तो पैसे ही पैसे होंगे, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, पूरे दिन ट्रेड ली, शाम के 5 बज गए, कोई भी मूवमेंट नहीं हुई, लाइक समझ रहे हो, वो इतनी मूवमेंट हुई नहीं कि हमें 10 पैसे का टारगेट मिल जाए। बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें तो मूवमेंट ही नहीं होती। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो अकाउंट है ना, बेसिकली इसके अंदर क्या हो रखा है, ये देखो यहाँ पे ना 100 लॉट में एंटर है, ठीक, 250 का लॉस चल रहा है, 250 कुछ भी नहीं होता ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडर के लिए, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर अगर मैं बेसिकली केवल और केवल 8265 से और 82.75 यहाँ तक की मूवमेंट कर लेता हूँ, बहुत इजीली हो जाएगी, मुझे पता है इजीली टच कर जाएगा, तो यहाँ पे टोटल 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बनने वाला है, जो कि कम नहीं होती। हाथ में लोगे तो एक पूरी पूरी गड्डी बैठती है नोटों की, सिंपल सी बात आती है। सो इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा मैटर नहीं करता है, सुबह शाम तक ट्रेड डालते रहो, ये कोई लॉजिक नहीं बैठता। लॉजिक ये बैठता है कि आपने सही जगह पर ट्रेड ली है और आप सही जगह तक उसके टारगेट का वेट करोगे। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये आ जाती है कि थर्ड स्ट्रैटेजी एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं, मैं बोलता हूँ वेट करने की स्ट्रैटेजी। मैक्सिमम लोगों के माइंड में ये होता ही नहीं, लोगों को वेट करना ही नहीं आता, उनको ठंडा करके खाना नहीं आता, उनको चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक, एक बात ध्यान रखना, अगर इनमें टाइमिंग इंक्रीज होती है तो यहाँ पर जुआरी लोग ज्यादा आ जाएंगे। जुआरी लोग मींस, अब उनके पास में वो शाम को 5 बजे छुट्टी होगी, चलो जी यार ट्रेड कर लेते हैं, मार्केट तो खुली हुई है, समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम सामने आएगी। मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग सोच रहे हैं टाइमिंग बढ़ने से अच्छा होने वाला है, बहुत लोगों के साथ बुरा होने वाला है, बिकॉज उनको अभी तक तो मार्केट से दूर रखा गया था, बिकॉज वो जॉब करते हैं इसलिए वो नहीं कर पा रहे थे, बट अभी की बात ऐसी है, मार्केट कहेंगे भाई शाम के 5 बजे के बाद भी खुली हुई है, चलो जल्दी जल्दी घर चलो जी, फटाफट ट्रेडिंग करनी है जी, देन उस कंडीशन में उनकी वहां पे बैंड बजना तय है और वहां पे नुकसान उनको होना तय है, ये प्रॉब्लम सामने निकल कर आएगी। एंड मैं अपनी बात करूं, अगर टाइमिंग बढ़ जाती है, मैं कहता हूं 18 घंटे की टाइमिंग हो जाती है, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं क्योंकि कंफर्म किसी को नहीं है क्या टाइमिंग रहने वाली है, सो इस वजह से पूरा कंफर्म नंबर बताना तो आई थिंक मूर्खता होगी अभी के लिए, बट बढ़ने वाली है ये बात कंफर्म है। यहां पर सेबी काफी ज्यादा इस चीज को ध्यान दे रहा है, लाइक एक्सचेंज काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि टाइमिंग बढ़ानी चाहिए और काफी लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है करो। यहां पर क्या होगा देखो, आप ध्यान से समझो, अभी की बात की जाए तो अभी क्या है, मैनुअल ऑर्डर। मैं खुद अभी क्या कर रहा हूं, मैनुअल ऑर्डर यहां पर डाल रहा हूं, देन उसके बाद में क्या होगा, मुझे अपनी यहां पर एल्गो सिस्टम रेडी करना होगा। एल्गो सिस्टम भी क्या हो सकता है, एल्गो सिस्टम में बेसिकली मैं एक्सेल के ऊपर काम कर सकता हूं, उसमें क्या होगा, मेरा लैपटॉप खुला रहना चाहिए और एक्सेल के अंदर जो भी मैं डाटा फिल कर दूंगा ना, उसी डाटा के हिसाब से मेरी ट्रेड लगती रहेगी। बाय करने को बोलूंगा, इस नंबर पे बाय हो जाएगा, सेल करने को बोलूंगा, सेल हो जाएगा, ये पूरा गेम हम एल्गो के साथ गेम प्ले कर सकते हैं। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि काम करने का तरीका है ना, वही आपको डिसाइड करने वाला है कि आपकी जेब में पैसा आएगा या जाएगा। अगर आप सोच रहे हो इतनी बड़ी टाइम फ्रेम के अंदर भी आप मैनुअल ऑर्डर से काम चला लोगे, नॉट पॉसिबल, ये बात दिमाग में रखिएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप मैनुअल ऑर्डर के भरोसे बैठे रहोगे, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे लॉसेस क्रिएट आने वाले हो, अगर मार्केट हमारी एक लंबे टाइम फ्रेम तक चलती है। कभी भी कोई इंसान अगर फोरेक्स मार्केट में काम करता होगा, उसने कभी देखा होगा, तो फोरेक्स मार्केट में जो इंसान मुझे बोलता है ना कि मैं हाथों से मैनुअली ऑर्डर डालता हूं, मैनुअली काम करता हूं, वो पोपट है। मैं समझ जाता हूं पोपट क्यों है, आप खुद समझ सकते हो भाई, इतनी देर कौन बैठ सकता है यार, 24 घंटे, 5 दिन एक चेयर पे बैठ के ऑर्डर पंच करना, नॉट पॉसिबल ना। वहाँ पे क्या होता है, एल्गो लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर भी ये बात ध्यान रखो, अगर टाइमिंग बढ़ती है तो एल्गो सिस्टम बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे,
आपको थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा, लाइक आपको टेक्निकल चीज़ें सीखनी होंगी कि किस तरीके से एल्गो सिस्टम को यूज़ करना है, अदरवाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सामने निकल कर आएगी अगर टाइमिंग इंक्रीज होती है और आपको लाइक टाइम के साथ आप ग्रो नहीं करते, आप आज भी वो पुराने ज़माने की तरह ऑर्डर डालने में लगे हुए हो, देन डेफिनेटली कुछ भी नहीं होने वाला, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब भी किसी को टाइमिंग रिलेटेड इशू है ना कि टाइम ज़्यादा होने पर क्या होगा, भाई देखो सबसे पहले तो ये होगा कि आपकी हेल्थ ख़राब होगी, ठीक है, अभी आपके कमर में दर्द होना चालू होगा, देन उसके बाद में आपकी आँखें ख़राब होंगी, देन उसके बाद में आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी, जो ये निफ्टी बैंक निफ्टी वाले ट्रेडर है, बिकॉज दिन में ये इतनी ज़्यादा ट्रेड करेंगे इससे होगा क्या, कुछ नहीं होगा, टैक्सेस एंड चार्जेस पे करेंगे, ब्रोकर अमीर बनेंगे, सेबी अमीर बनेगा, एक्सचेंज अमीर बनेगा, और आदमी जो इंसान ये गरीब बनेगा, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स करने से प्रॉफिट नहीं बनता, मैं हमेशा बोलता हूं, बहुत कम नंबर ऑफ ट्रेड करके भी एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया जा सकता है अगर आप साइकोलॉजिकली स्टेबल हैं। मार्केट के अंदर बहुत बार बोला मैंने कि भाई 20% टाइम जो होती है आपकी स्ट्रेटजी वर्क करती है, 80% टाइम आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है, लोग इस पर ध्यान देते हैं। मैं देखता हूं लोग यहां पर यूट्यूब के ऊपर अभी स्ट्रेटजी, ये फलाना स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, भाई स्ट्रेटजी सब काम करती है, आप उस पर फोकस करते हो नहीं करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। लोगों का ऐसा है आज ये वाली वीडियो देख ली, कल वो वाली वीडियो देख ली, भाई आज हमने ये किया था, कल हमने वो किया, तो आप देखोगे तो आपके दोनों दिनों का जो रिजल्ट्स है ना वो पता है क्या है, वो जीरो है, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं किया, आपने दो दिन बर्बाद कर दिए। सो दैट्स वाई आपको ये बात समझनी होगी कि टाइम बढ़ने से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, टाइम बढ़ने से प्रॉब्लम ही क्रिएट होंगी, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं बेसिकली अपनी बात करूं, मैं तो एल्गो पे शिफ्ट होने वाला हूं अगर ऐसी बात हो जाती है तो। ये प्रॉब्लम आपको समझनी है कि किस तरीके से काम करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि भाई कैसे काम करना है ये चीज़ समझना, तो बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं गया एंड आप चाहते हो ग्रुप के अंदर ऐड होना, तो बताना चाहूंगा यहाँ पर क्या है, आप नीचे डिस्कॉर्ड की लिंक दी है, वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, ज्वाइन होने के बाद में आपको ट्रेड आइडिया भी शेयर किए जाते हैं, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ होती है समझो, मान लीजिए कोई भी वीडियो है मेरे चैनल की, आपको क्या करना है उस पर क्लिक करना है, उसको ओपन करना है, या ये वाली वीडियो जो चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, एंड डिस्क्रिप्शन में जाने के लिए ऐसे करके आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल डाली हुई है, आप यहाँ पे से किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो तो भी आपको प्रीमियम एक्सेस मिल जाता है, वरना आप वेबसाइट पे जाके डिटेल चेक करते हो। अब आपको डिस्कॉर्ड में आना है तो क्या करना है, ये जो डिस्कॉर्ड की लिंक है ना, इस वाली लिंक के ऊपर बस आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक्सेप्ट करना होगा आपको, और आप यहाँ पे इस सर्वर के अंदर एंटर कर जाओगे, जैसे भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ये एंटर हुए हैं, ठीक है। सो आप भी इस तरीके से एंटर हो जाते हो, और यही लिंक बताना चाहूंगा मैं, नीचे की तरफ जब आओगे तो नॉर्मली पिन कमेंट के अंदर आप देखोगे, मेरा पिन कमेंट है एक्सक्लूसिव ट्रेड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें भी मैंने यहाँ पे डिस्कॉर्ड के लिंक सबसे ऊपर डाली है कि अगर आप चाहो तो डिस्कॉर्ड पे लिंक, ये वाली लिंक है, इस पे क्लिक करते ही आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ जाते हो। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे भी प्रीमियम एक्सेस के अंदर कंटिन्यू कर सकते हो, जहाँ पर इंट्राडे लेवल्स प्लस इंट्राडे ट्रेड्स जो मैं लेता हूँ वो शेयर की जाती है। अभी की बात की जाए तो जो ट्रेड ली गई, कॉमन सी बात है, अभी कंटिन्यू जो ट्रेड्स चल रही हैं, लाइक काफ़ी सारी ट्रेड्स हैं जो कंटिन्यू अभी चल रही हैं, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि काम करने का तरीका, लाइक सबसे ज़रूरी है कि किस तरीके से काम करना है वो ज़रूरी है। सो आप चाहें तो ये चीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर भी किसी के माइंड में क्वेश्चन है, आई विश मैंने टाइमिंग वाला इशू पूरा सॉल्व कर दिया होगा, फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो क्या कर सकता है, नंबर है 9837482890, सेकेंड नंबर है 8077521043, इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे, बिकॉज टीम मेंबर जो होते हैं एकदम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको डायरेक्टली रिप्लाई दिया जाएगा जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे। आप एक चीज़ और कर सकते हैं, संडे में हम लोग एक लाइव सेशन रखते हैं जो कि बेसिकली डिस्कॉर्ड के ऊपर होता है, ठीक, उसके लिंक मैंने आपको नीचे दे दी, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कहाँ पर ये ज्वाइन होता है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आप देखोगे, सो यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ जब आप ज्वाइन हो जाओगे तो यहाँ पे पब्लिक लाइव क्लास दिखाई देगी, तो संडे में जो भी लाइक लाइव सेशन होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। सो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इजीली, ठीक। बाकी मैंने बताया, आप अगर नए हैं शेयर मार्केट में और बिल्कुल ज़ीरो से शेयर मार्केट को लर्न करना चाह रहे हैं एंड समझना चाह रहे हैं कैसे काम होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे मैंने 3 बेस्ट ब्रोकर्स की लिंक दी है, आप किसी के साथ भी अकाउंट ओपन करते हैं और अकाउंट ओपन करने के बाद में नंबर पर मैसेज डाल देते हैं, देन आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाता है जिसके अंदर केवल और केवल USD INR रिलेटेड ट्रेड्स के अंदर ही आइडिया शेयर किए जाते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मल्टीटास्कर बनने की बजाय एक सिंगल चीज़ के ऊपर फोकस करो, और तब तक फोकस करो जब तक हम उस चीज़ को अच्छे से सीख ना जाएं, ताकि हमें वहाँ पे अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आने चालू हो जाएं। सो आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी।
मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, जाकर चेक करो। अकाउंट ओपन करने के बाद में यहाँ पर नंबर पे मैसेज करो, आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। बाकी फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे आप मैसेज करके आगे की डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।